हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं आपकी EVS मैम, और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यूनिट जो पढ़ने वाले हैं, वो है फिफ्थ यूनिट, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट. तो बायोडाइवर्सिटी हम आज स्टार्ट करते हैं. बायोडाइवर्सिटी क्या है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम, उसके कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं आज. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है, जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है, वो क्या है. अगर हम इसको देखें, इसका एक और शॉर्ट फॉर्म है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं इसको. जो बायोडाइवर्सिटी है, ये ओरिजिनेट हुआ है एक वर्ड से, बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, और जो वर्ड डाइवर्सिटीज़ हैं उसका मतलब होता है वैरायटी या डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है, अलग अलग वैरायटी है. तो इसका मतलब है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका मतलब है कि वैरायटी ऑफ लाइफ है अर्थ पे, ठीक है, मतलब कि काफ़ी लाइफ है अर्थ पे, इसमें काफ़ी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि बायो का मतलब ही लाइफ होता है और डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंसेस है. तो बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत टाइप की लाइफ है अर्थ पे. जो टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये सबसे पहले जो है वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट और एक कंजर्वेशनिस्ट ने दी है, जो रेमंड एफ डेसमैन ने 1968 में दी थी. तो उन्होंने एक बुक में, जिसका नाम था ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री एडवोकेटिंग कंजर्वेशन, ठीक है, उसमें इन्होंने ये फर्स्ट टाइम पे ये टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दी थी. जो ये टर्म है, इसको वाइडली अडॉप्टेड ओनली आफ्टर मोर देन अ डिकेड, काफ़ी टाइम लगा. व्हेन इन 1980s इट केम इनटू कॉमन यूजेज इन साइंस एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी. तो बाद में ये कॉमनली हर एक साइंस या एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ में ये टर्म जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आई. थॉमस लवजॉय जो था, उसने अपनी बुक जो थी उसकी कंजर्वेशन बायोलॉजी, उसने इंट्रोड्यूस की टर्म साइंटिफिक कम्युनिटी को, ये टर्म इंट्रोड्यूस की कि ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या, अपनी उस बुक में, कंजर्वेशन बायोलॉजी की बुक में. अनटिल देन जो टर्म नेचुरल डाइवर्सिटी जो था, तब यूज़ किया जाता था, उसके बाद ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूज़ करने लगे. पहले जो होता था वो सिर्फ नेचुरल डाइवर्सिटी के ऊपर सबका फोकस होता था. जो टर्म ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये वहाँ से ही फिर कॉन्ट्रैक्टेड होके नेचुरल डाइवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट होके बायोडाइवर्सिटी जो है वो फर्स्ट टाइम कॉइनड बाय वॉल्टर जी रोसन 1985, जब प्लानिंग हो रही थी नेशनल फॉर्म ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तब ये जो टर्म थी बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले वॉशिंगटन DC 1986 में वॉल्टन जी रोसन ने 1985 में ये टर्म के बारे में पहले बताया. बायोडाइवर्सिटी जो है, अब हमने बताया आपको, इसका मतलब ही यही है कि लाइफ और इसमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं. तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म का एक कंसेप्ट है. बायोडाइवर्सिटी और या इसको जो हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, ये एक टर्म है जो देते हैं किसको, जब वैरायटी ऑफ लाइफ है उसी को हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं. जो नॉर्मली अर्थ पे अगर हम देखेंगे, बहुत वैरायटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, ये वैरायटी विद इन और बिटवीन ऑल स्पीशीज़, एनिमल्स के हो या प्लांट्स के हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के, या जो भी इकोसिस्टम में जो भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, उनके साथ हम ये टर्म जो है बायोडाइवर्सिटी यूज़ की जाती है. जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज इवॉल्वड फॉर प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज़, एक कन्वेंशन हुआ, आप एक सेमिनार बोल सकते हैं उसको, वो इसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर हुआ, जहाँ पे जो भी क्या उसका कंसेप्ट था कि प्रोटेक्ट करे, सस्टेनेबल यूज़ करे, किसका, बायो रिसोर्सेज का, जितने भी रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे हैं और जिसको हम बायो रिसोर्सेज बोल सकते हैं, चाहे उसमें जीव जंतु हो, हम लोग हो, फ्लोरा फौना हो, इन सब का प्रोटेक्शन करना और इनका ऐसा यूज़ करना, सस्टेनेबल यूज़ करना,
ताकि वो आगे वाली जनरेशन के लिए भी बची रहे, हम भी उसका फ़ायदा उठाएं, हम उसको एक्सप्लॉइट ना करें, ख़त्म ना करें, हम आगे वाली जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसको यूज़ करें। तो इंश्योर ये कराए कि इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हो, हमारे लिए भी हो, दूसरे के लिए, गरीब अमीर सबके लिए बराबर इक्वली जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो इस कन्वेंशन में उसके ऊपर ज़्यादा फोकस था। एज ए सिग्नेटरी टू कन्वेंशन एक इंडिया भी जो है उसने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया, क्योंकि उसने भी ये कन्वेंशन में अपना साइन किया था। और सब्सिक्वेंटली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स जो है केम टू बिगिन, फिर इंडिया में भी ये हुआ कि हमें अपना जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसके जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोटेक्ट करने हैं और उसका सस्टेनेबल यूज़ करना है और इक्वली शेयर करना है हमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो ये सारी इस कन्वेंशन में ये सारी बातें उठी थी और सब ने इस में अपना साइन किया। तो यहाँ पे बाकी जो इंडिया था वो उसने भी अपना वो एक सिग्नेटरी वो भी इस कन्वेंशन में बना और उसने भी ये रिसोर्सेज जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है इसको प्रोटेक्ट और सस्टेनेबल यूज़ के लिए अपना योगदान दिया था। अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के, जो डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशन में मिली है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपनी तरफ से बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया गया है, अपनी तरफ से किया था, तो वो हम पढ़ते हैं अब डेफिनेशंस इसके कुछ। पहली जो जनरल डेफिनेशन है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिप्रेजेंट करता है वैरायटी और वेरिएबिलिटी बहुत सारे स्पीशीज़ की, जितनी भी स्पीशीज़ हैं प्लांट के हो, एनिमल की हो, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हो, और इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट क्या वैरायटी है जिस इकोसिस्टम में वो रहते हैं प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कौन से रिप्रेजेंट करते हैं वैरायटी। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है। अगर अब दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके हिसाब से बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि वेरिएबिलिटी, अलग अलग वेरिएशन है लिविंग ऑर्गेनाइजम्स में हर एक सोर्सेज से, इंक्लूडिंग इनर्शियल, टेर्शियल, मैरीन। आप कहीं पे भी जाइए, मैरीन इकोसिस्टम में जाइए, आप ज़मीन पे जाइए, तो ये सारे इकोसिस्टम में जो भी वेरिएशंस हैं लिविंग ऑर्गेनाइजम्स के, तो ये जो वेरिएशंस हैं इसमें डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ की, स्पीशी के बीच में, विद इन स्पीशी भी, बिटवीन स्पीशी भी, और इकोसिस्टम में भी काफ़ी वेरिएशंस हैं, तो यही बायोडाइवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड जो डेफिनेशन है जो जॉन्स और स्टोक्स ने दी है 1987 में, उसने बताया कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बायोडाइवर्सिटी बाद में टर्म आई, सबसे पहली टर्म थी नेचुरल डाइवर्सिटी। नेचुरल डाइवर्सिटी एक सिनोनिमस आप देख सकते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी का ही एक दूसरा टर्म है जो मगर पहले यूज़ किया जाता था। साइंटिस्ट जो थे नेचुरल डाइवर्सिटी को, उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ मीनिंग्स हैं, इसमें नंबर ऑफ डिफरेंट नेटिव स्पीशीज़ एंड इंडिविजुअल्स एक हैबिटाइट या जियोग्राफिकल एरिया में क्या आते हैं वो होता है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट हैबिटाइट्स हैं जहाँ पे कोई इंसान रहता है, जहाँ उसको खाना पीना, जहाँ वो रिप्रोड्यूस करता है, उसको हैबिटाइट बोलते हैं। वैरायटी ऑफ डिफरेंट हैबिटाइट्स विद इन एन एरिया वो भी एक नेचुरल डाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है। वैरायटी ऑफ इंटरेक्शंस जो स्पीशी एक डाइवर्सिटी में रहता है, एक इकोसिस्टम में रहता है, एक जगह पे रहता है, वहाँ बहुत सारे स्पीशी होते हैं, जब ये सारे स्पीशी एक दूसरे के साथ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ इंटरेक्शंस दिखाते हैं एक हैबिटेट में रहने से, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी जब बहुत वैरायटी ऑफ इंटरेक्शंस दिखाते हैं वो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारा जेनेटिक वेरिएशंस भी होते हैं, मतलब जीन्स अलग अलग हो जाते हैं, एक ही स्पीशी होगा मगर उनमें जेनेटिक वेरिएशंस बहुत अलग होंगे, एक ही मतलब वैरायटी, जैसे अगर हम लोग भी देखें, इंसान भी देखें, ठीक है, मगर इनमें कितने डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होते हैं,
तो एक इंडिविजुअल्स में भी विद इन स्पीशी बहुत सारी वैरायटी होती है, जेनेटिक वेरिएशन होती है, तो ये भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ही रिप्रेजेंट करती है। डी बी जेंसन और एम टॉन और जे हार्ट्स 1990 में इन्होंने जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिफाइन किया, उन्होंने बोला, सिंपली उन्होंने बताया कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में बहुत सारी टाइप की डाइवर्सिटी है, बहुत वैरायटी है, ठीक है, लाइफ में बहुत वैरायटी है। ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसका मतलब है कि फुल रेंज ऑफ वैरायटी, बहुत वैरायटी है। जैसे हम कभी शॉप में जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी हमें क्लोथ्स के मिलते हैं, वेस्टर्न, इंडियन, क्लासिकल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। एनिमल, प्लांट, एक प्लांट ही अगर आप लेंगे या प्लांट का एक ग्रास वाले वैरायटी देखेंगे, आप शर्ब देखेंगे, हर्ब देखेंगे, ट्री देखेंगे, तो आपको इतनी वैरायटी मिलेगी, बहुत सारे ट्रीज़ मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है ना। फ्रूट में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप एक मैंगो ही क्यों ना ले लें, उस मैंगो के भी कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ मैंगो में भी। या इवन आप एप्पल में देख लीजिए, कितने टाइप्स के एप्पल निकलते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के एप्पल्स निकलते हैं। तो हर एक की एक डिफरेंट वैरायटी होती है, हर एक डिफरेंट तरीके से। इवन सब्ज़ी आप ले लीजिए, लौकी की सब्ज़ी ले लीजिए, कितनी टाइप की लौकी होती है, तो फुल रेंज ऑफ वैरायटी होती है। ये सब बायोडाइवर्सिटी में तो आते हैं, वेरिएबिलिटी होता है विद इन एक स्पीशी के अंदर भी, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कितनी वैरायटी होती है। हम घर में भाई बहन एक दूसरे से कितना वेरी करते हैं, डिफरेंट हैं हम एक दूसरे से। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो इस वैरायटी, ये एक इकोसिस्टम में इतनी सारी वैरायटी होना और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना, वो भी डिफरेंटली, ठीक है, तो ये एक कम्युनिटी डाइवर्सिटी बन जाता है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बनता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी बनता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मतलब हर टाइप की डाइवर्सिटी बनती है, एक कम्युनिटी में भी बहुत सारे टाइप्स की हमें डाइवर्सिटी मिलती है। स्पीशीज़ हमारे पास बहुत सारे हैं, एक भी स्पीशी होगा तो उस पर भी इतनी डाइवर्सिटी होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। हर जीन्स भी अगर आप देखेंगे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं है, बहुत सारे वेरिएशन आती है, ठीक है। और एक और ने जो डिफाइन किया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, वो है के स्टोन सेंटर इन इट्स फाइनल कंसेंसस रिपोर्ट 1991 में। उसके हिसाब से सिंपलेस्ट टर्म उसने बताया कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वैरायटी ऑफ लाइफ और उसका प्रोसेस। लाइफ तो बहुत सारी है, और वो क्या प्रोसेस होता है उनका भी अलग अलग होता है। ह्यूमन बीइंग का क्या प्रोसेस है, हर एक घर का अगर आप देखेंगे, एक घर का निज़ाम अलग तरीके से चलता है, दूसरे घर का दूसरे तरीके से, कितना वैरायटी है, कितने डिफरेंट तरीके से इंटरेक्शन है, कितना डिफरेंट तरीके से प्रोसेस है। इसी तरीके से आप एनिमल्स में भी लीजिए, एनिमल्स का भी बिहेवियर देख लीजिए, उनके करेक्टर्स देख लीजिए, इनका फिजिकल करेक्टर आप देखेंगे वो भी बहुत डिफरेंट आता है। और इसमें वैरायटी जो होती है लिविंग ऑर्गेनाइजर्स में, इनमें जेनेटिक डिफरेंसेस भी एक दूसरे से अलग होते हैं, कम्युनिटीज़ भी एक दूसरे से अलग होती हैं, इकोसिस्टम जहाँ वो रहते हैं कितना वैरायटी उनको वहाँ मिलता है। तो आप इमेजिन कीजिए, छोटे से छोटा कीड़ा, चींटियों में भी आप देखेंगे कितनी वैरायटीज़ होती हैं, ऐसे ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजम्स में इतनी वैरायटी होती है। और अगर एक जैसी भी होंगे, अगर एक चींटी एक जैसी भी होगी, बहुत सारी वैरायटीज़ उनमें भी बहुत होती हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यही है कि हम इन्हीं वैरायटीज़ को पढ़ते हैं, ये वैरायटीज़ कौन सी हैं हमें पता चलती है। जब हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सब्जेक्ट पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, इससे हमें मालूम लगता है कि इस इकोसिस्टम में, इस हैबिटेट में रहने वाले जो जीव जंतु, फ्लोरा फौना हैं, इनमें इतनी वैरायटीज़ हैं कि ये सारे मिलजुल के एक अलग लाइफ क्रिएट करते, एक अलग सा डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। एक क्योंकि ये लिविंग है तो इसलिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। इनकी इंटरैक्शंस, ये सारी चीज़ें जो हैं, वैरायटी ऑफ लाइफ इस प्लेनेट पे, टोटली हम अगर देखा जाए, ये टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ है प्लेनेट पे, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लेनेट, टोटल नंबर ऑफ रेसेस या स्पीशीज, मतलब सम टोटल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो एक सिस्टम में प्रेजेंट हैं और उस सिस्टम में वो काम करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, प्रोसेस करते हैं,
उसी को हम सिंपली बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायो का मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था लाइफ होता है, तो लाइफ इस अर्थ पे, इस लाइफ यहाँ बहुत सारी है और इसी लाइफ में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया, आप कहीं भी कहीं आप शॉपिंग मॉल में जाइए, कितना वैरायटी हमें मिलता है, खाने पीने से लेकर कपड़ों से लेकर टॉयज से लेकर कितना वैरायटी मिलता है। इसी तरीके से ये ज़िंदगी है, बायो मतलब ज़िंदगी, तो ज़िंदगियों में भी बहुत सारी वैरायटी मिलती है इस अर्थ पे। लाइफ चाहे वो जानवर के रूप में मिले, चाहे प्लांट के रूप में, चाहे हर्ब शर्ब कीड़े मकोड़े मतलब फंगस, ये सारी चीज़ों वायरस या प्रोटोजोआ, इन सब में भी इतनी वैरायटी मिलती है, तो यही कॉन्स्टिट्यूट करती है बायोडाइवर्सिटी। तो हमारा चैप्टर जो बायो मैनेजमेंट है, इसी बायोडाइवर्सिटी से इर्द गिर्द घूमेगा।